भाषा के बिना कोई भी अपनी बात को, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। भाषा के जरिए ही कई प्रकार की संस्कृति को जाना जा सकता है। उसमें हिंदी भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी केवल हमारी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा ही नहीं, बल्कि यह राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। हिंदी में आप सहजता से अपनी बात समझा सकते हैं। हिंदी ने भाषा, व्याकरण, साहित्य, कला, संगीत के सभी माध्यमों में अपनी उपयोगिता, प्रासंगिकता और वर्चस्व कायम किया है। हिंदी की यह स्थिति हिंदी भाषियों और हिंदी समाज की देन है। इसी के मद्देनजर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 2006 में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाने का ऐलान किया था। विश्व में हिंदी का विकास करने और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर इसे प्रचारित प्रसारित करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत की गई। हालांकि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था, लेकिन आधिकारिक तौर पर विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत 10 जनवरी 2006 से हुई थी, इसलिए इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि हिंदी भाषा को एक बड़ा वर्ग हे दृष्टि से देखता है। समाज का एक तबका हिंदी की दुर्गति के लिए भी जिम्मेदार है। हमें लगता है कि अंग्रेजी बोलने वाले ज्यादा ज्ञानी और बुद्धिजीवी होते हैं। यह धारणा हिंदी भाषियों में हीन भावना लाती है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए हर कोई अंग्रेजी भाषा को बोलना और सीखना चाहता है। हिंदी भाषी लोगों को इस हीन भावना से उबरना होगा, क्योंकि औपचारिक तौर पर तो हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, लेकिन माना जाता है कि यह दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। दुनिया भर में करीब 100 करोड़ लोग हिंदी बोलने, लिखने और समझने में सक्षम है। विश्व भाषा बनने के लिए हिंदी को अभी भी संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्यों के 2/3 देशों के समर्थन की आवश्यकता है। भारत सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। हम संभावनाएं जता सकते हैं कि शीघ्र ही हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा में शामिल कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा के दौरान अधिकतर अपना संबोधन हिंदी भाषा में ही देते हैं, जिससे हिंदी भाषा का महत्व विदेशी धरती पर भी बढ़ने लगा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।